भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, जुमलों की पोटली भी हाय, कोरोना का बहाना, कोरोना का बहाना, मुंह सबका बंद कराना, झूठों की जपते माला, मुंह करते अपना काला। नमस्कार दोस्तों, मैं अमल सैनी, आज हम मौजूद हो गए हैं बरेली में, और बरेली के एक महोदय जी भी हैं, हम उसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हैं विशाल अग्रवाल सिंगर, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के संस्कृति के प्रकोष्ठ। हम जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ को आपने आगे कैसे बढ़ाया। सर क्या? सर मेरा नाम विशाल अग्रवाल है और मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को मैंने कैसे आगे बढ़ाया, देखिए 10-12 साल मुझे हो गए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए काम करते हुए, और 2012 के बाद जब सरकार बनी तो मुझे बरेली का जिलाध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उस वक्त सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में बहुत कम कलाकार हुआ करते थे, लेकिन जब मैंने इसके माध्यम से कार्यक्रम किए, बहुत सारे कलाकारों को, सैकड़ों और हजारों कलाकारों को मैं प्रदेश और बरेली में जोड़ चुका हूं, और बहुत सारे कलाकार इस समय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का काम ये है कि अपनी कला, गीत, कविता, शायरी और चीज़ों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से समाजवादी पार्टी का प्रचार करना और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। आज कलाकार बेरोजगार हो चुका है, तो मैं उसी बेस पर आपको दो लाइनें अपने गीत के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, जुमलों की पोटली भी हाय, जुमलों की पोटली भी हर बार लेके आए, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए। और इन्होंने क्या काम किया कि कोरोना का बहाना, कोरोना का बहाना, मुंह सबका बंद कराना, कोरोना का बहाना, मुंह सबका बंद कराना, लॉकडाउन भी लगाकर भूखा ही मार डाला। और इन्होंने क्या किया कि झूठों की जपते माला, झूठों की जपते माला, मुंह करते अपना काला, झूठों की जपते माला, मुंह करते अपना काला, किसानों को भी तुमने हाय, किसानों को भी तुमने चुन चुन के मार डाला। जैसा कि कृषि कानून आए और एक साल होने वाला है, किसानों को पूरे देश में बैठे हुए सरकार सुन नहीं रही है, चुन चुन के किसान मर रहे हैं एक एक करके, लेकिन सरकार, भाजपा सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने क्या बहाना किया कि चाय का था बहाना, चाय का था बहाना, जातियों में लड़ाना, ये धर्म और जाति में लड़ाने वाली सरकार है। चाय का था बहाना, जातियों में लड़ाना, और क्या, मंदिर के नाम पे बस सरकार है चलाना। सिर्फ जाने कितने सालों से, कितनी बार सिर्फ मंदिर के नाम पे सरकार बनाते हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं है। यूपी में योगी आए, क्या लाए, यूपी में योगी आए, आतंकवाद लाए, यूपी में योगी आए, आतंकवाद लाए, गुंडों का बोलबाला। बहुत बड़ी गुंडागर्दी इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है और गुंडागर्दी, कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। गुंडों का बोलबाला, कुछ काम ना कराना, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए। तो इस तरह से हम जनता को बताते हैं कि किस तरह से हमारी समाजवादी पार्टी की नीतियां चल रही हैं और किस तरह से भाजपा सरकार जनता को खाए जा रही है, और इस तरह से खाए जा रही है कि आज महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी कितनी हो गई है, किसान कितना मजबूर हो चुका है, गरीब को के पास खाने को रोटी नहीं है, भुखमरी
की कगार पे देश और प्रदेश पहुंच चुका है और इस समय बद से बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है। और 2022 में 3-4 महीने बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से सपा अपनी सरकार बनाती है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।